नमस्कार। क्वेश्चन ऑफ द डे में आपका स्वागत है। और हम आज जिस क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखने में तो बहुत इजी लगता है और जनरली चल भी रहा है, ठीक है, लेकिन हमें ये जानने की ज़रूरत है कि उसका आंसर किस प्रकार हम लिखेंगे। ये प्रीवियस ईयर का आपका क्वेश्चन है और उसका बेसिस क्या था, मतलब आप किस बेसिस पे उसको सॉल्व करेंगे। तो आपका जो प्रश्न मैं यहाँ पे लेके आई हूँ कि विद्यार्थियों को स्वच्छता के लिए प्रेरित करने हेतु उन्हें स्वच्छता समिति का सदस्य बनाना प्रतिबिंबित करता है। अर्थात कोई ऐसा टर्म है जिसमें आपको, मतलब ऐसा एनवायरमेंट है जिसमें आपको स्वच्छता के लिए उनको प्रेरित करना है, ठीक है। और आप करते क्या हो, आप करते हो उन्हें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हो, क्या उस स्वच्छता समिति का सदस्य बनाते हो, ठीक। ये क्या इंडिकेट करता है, ये आपका प्रश्न है 2015 में सीटेट में आया हुआ। अब इसके ऑप्शंस को हम देखेंगे। इसका ऑप्शन क्या है, प्रेरणा की सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पनाएं, क्या ये प्रतिबिंबित करता है, प्रेरणा का व्यवहारवादी उपागम, प्रेरणा का मानवतावादी उपागम और प्रेरणा का संज्ञानात्मक उपागम। विचार करिए, देखिए प्लीज़ चीटिंग मत करिएगा, हाँ आंसर आपको पता चलेगा, लेकिन यहाँ थोड़ा दिमाग में रखिए ना कि कौन सा आपका आंसर है। मैं फिर से समझाती हूँ, विद्यार्थियों को स्वच्छता के लिए प्रेरित करने हेतु उन्हें स्वच्छता समिति का सदस्य बनाना प्रतिबिंबित करता है, अर्थात कि कोई कार्यक्रम है आपका स्वच्छता का और सबको मोटिवेट करना चाहते हैं और आप उसको क्या एक मेंबर बना लेते हैं उस कमेटी का, ये क्या इंडिकेट करता है। तो इसका आंसर पहला आपका हो सकता है क्या, प्रेरणा की सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पना की, सामाजिक सांस्कृतिक जो संकल्पना है वह यह प्रतिबिंबित करता है उसको सदस्य बना के। ये भी हो सकता है प्रेरणा का व्यवहारवादी उपागम, है ना, क्योंकि व्यवहारिक चीज़ें ही तो हैं कि स्वच्छता रहनी चाहिए। ये भी हो सकता है प्रेरणा का मानवतावादी उपागम कि हाँ मेंबर हमने बनाया और मानवतावाद है, मानवों को अपने एनवायरमेंट को साफ रखना चाहिए ताकि किसी अन्य को उससे प्रॉब्लम ना हो। ये भी हो सकता है प्रेरणा का संज्ञानात्मक उपागम, क्यों, क्योंकि प्रेरित कर रहे हैं तो उसके दिमाग में भी कोई चीज़ आएगी, संज्ञान में आएगा कि नहीं हम मेंबर हैं और हमको क्या करना चाहिए, स्वच्छता करनी चाहिए। आंसर आपने सोच लिया, अब मैं बताती हूँ इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है फर्स्ट, प्रेरणा की सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पना है। यहाँ समूह बना रहे हैं आप, कमेटी, ठीक है, जो एक ही काम करेगी। याद है समुदाय की डिफिनेशन, समुदाय क्या एक ही जैसे गुण उनमें होते हैं, लेकिन यहाँ हम क्या बनाते हैं एक जैसे स्वच्छता कर्मी का समुदाय, ठीक, वो समुदाय जो है उसमें सदस्य बनाते हैं तो उसको जो प्रेरणा मिलती है, तो प्रेरणा तो मिल ही रही है, तो प्रेरणा तो तीनों आपका आंसर है, लेकिन किस प्रकार की प्रेरणा है, ये सामाजिक सांस्कृतिक प्रेरणा है। इस प्रकार के प्रश्न सीटेट में पूछे जाते हैं और इस प्रकार के उनके आंसर होते हैं। देखिए यहाँ क्या है कि सदस्य बना रहा है, समूह बना रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी देना, व्यवहार तो आपका अपना भी हो सकता है लेकिन किसी अन्य के प्रति आपको क्या यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा है। ये सामाजिक सांस्कृतिक जो संकल्पना है, आपको ZPD याद होगा, आपसे ज़्यादा नॉलेज वाला आपको क्या करता है, मोटिवेट करता है, ठीक है, आगे बढ़ने की, आपका जो विकास का क्षेत्र क्या है, बढ़ता है। आप दिमाग में याद रखिएगा, वाइगोत्स्की को याद करिए, अगर देखेंगे तो इस प्रश्न का उत्तर आप आसानी से लगा लेंगे। यहाँ तो मैं बता दे रही हूँ, पर यही प्रश्न अगर आपके सीटेट में आते हैं तो ये आपको कंफ्यूज करते हैं, इसलिए एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए कि क्या पूछ रहा है, 1-to-1 वर्ड कि हमें किस प्रकार से इसका आंसर देना है। इसके लिए आपको प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को हल करने की बहुत आवश्यकता है, साथ ही साथ उनके आंसर किस बेसिस पे दिए गए हैं ये भी अगर आप जान जाएंगे तो आपके कॉन्सेप्ट वही है, बस क्वेश्चन चेंज होगा और कोई भी क्वेश्चन आप गलत नहीं करेंगे।